want to take this time to welcome each one into this very fascinating program titled The Holy Land. होली लैंड यानी पवित्र भूमि के इस बहुत ही रोमांचक ऐसे प्रोग्राम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं. इट एक्साइट्स मी सो मच टू ब्रिंग सो मेनी न्यू फैक्ट्स ऑफ द होली लैंड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग मैनर टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ गॉड्स वर्ड टू यू. और ये सच में मुझे बहुत ही रोमांचित करता है कि हम पवित्र भूमि के इस प्रोग्राम में इतने दिलचस्प तरीके से ये सारी सच्चाई को आपको बताते चले जाए जिससे आप समझ सके और आप खुद उससे आनंदित हो सके. एवरी एपिसोड आई एम लर्निंग एंड आई एम कमिंग टू नो मोर अबाउट द पावर एंड माइंड ऑफ गॉड. आप ही के जैसे हर एक एपिसोड में मैं खुद सीखते जा रहा हूँ. हर एपिसोड में मैं परमेश्वर की सामर्थ और उसके मन के बारे में बहुत सी नई बातों को सीखते जा रहा हूँ. Of all the books in the Bible, the book Revelation brings the mind of God to us directly. पूरी बाइबल में हम देखते हैं कि ये जो प्रकाशित वाक्य की जो किताब है या प्रकाशित वाक्य ये जो शब्द है ये हमें सीधा परमेश्वर के मन के पास में लेकर आता है. God in his own wisdom wants to reveal all these things to Apostle John. परमेश्वर अपनी बुद्धि में यही चाहते हैं कि इन सारी बातों को प्रेरित यूहन्ना पर प्रकट कर दें. The reason he wants to reveal it is that because he wants all his people to really love him and to really understand his heartbeat for the world. और इसे बताने के पीछे कारण यही है कि परमेश्वर यही चाहते हैं कि सभी लोग जो प्रभु जो परमेश्वर के लिए परमेश्वर का जो प्रेम पूरे संसार के लिए है संसार के सभी लोग परमेश्वर के दिल को जान ले. It was interesting to note in the last few episodes that there are more than 300 references of the Old Testament in the book of Revelation. और ये बात तो जानना बहुत ही दिलचस्प है कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि प्रकाशित वाक्य की किताब में 300 से भी ज्यादा ऐसे संदर्भ हैं जो कि पुराने नियम से लिए गए हैं. Revelation also uses a lot of symbols and symbolisms in explaining the depth of what God wants to showcase to the world today. प्रकाशित वाक्य बहुत से चिन्ह और उपमा की बातों का उपयोग करता है ताकि जो कुछ भी परमेश्वर बताना चाहते हैं वो संसार के सामने रख सकें. We also saw that Daniel and John, as they received God's revelation of the future, both fell down as dead men. और हमने ये भी देखा कि जब दानियल ने और यूहन्ना ने परमेश्वर की ओर से ये प्रकाशन पाया तो ये दोनों के दोनों बिल्कुल मरे हुए मृतक मनुष्य के जैसे नीचे गिर गए. Being in God's presence is overwhelming and that's why it's mentioned that they fell as dead men. और यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी और मनुष्य की उपस्थिति में रहना ये बात अलग है, आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में जाना तो ये ऐसी बात है जब आप उसके पास जाते हैं, उसके सामने जाते हैं, उसकी उपस्थिति में, तो आप बिल्कुल मृतक जैसे नीचे गिर जाते हैं. You can read about that in Daniel chapter 10 verse 7 to 10 and in Revelation chapter 1 verse 17. आप दानियल अध्याय 10 वचन 7 से 10 तक और प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 17 में आप इसे पढ़ सकते हैं. Now I also mentioned in the last week that we need to approach the book of Revelation or in fact we need to approach the whole book of Bible as an academic student but we need to approach it as real worshippers. हमें सच में प्रकाशित वाक्य की किताब ही नहीं लेकिन पूरी बाइबल की तरफ इस दृष्टिकोण से देखना है कि हम इसके केवल पढ़ने वाले नहीं हैं लेकिन सच में हम उसके सच्चे आराधक बनकर इन सारी पुस्तकों को देखते चले जाएं. Today's episode we are going to study about Revelation chapter 8 and 7 and about the trumpets we are going a little bit more deeper so join us as we discover the book of Revelation. और आज के हमारे इस एपिसोड में हम अध्याय प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 इसमें हम सात तुरहियों के बारे में देखते हैं तो निश्चय ही इस होली लैंड के प्रोग्राम में पवित्र भूमि के प्रोग्राम में जैसे हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं हमारे साथ में जुड़ जाइए. In today's episode, we are going to study a little bit more deeper about the seven trumpets. आज के हमारे इस एपिसोड में हम सात तुरहियों के बारे में और भी गहराई से देखने वाले हैं. Now, our production team has beautifully created a set for you with the seven trumpets where the angels are holding it. हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन टीम ने बड़ी मेहनत करके ऐसे ये बैकग्राउंड बनाया जिसमें आप देख सकते हैं कि सात स्वर्गदूत सात तुरहियां लिए हुए खड़े हैं. Now, we see that in Revelation chapter
8 and 7 and we study more details about all these things. और हम इसे प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 वचन 7 में देख सकते हैं और इसके बारे में और भी बहुत सी विवरण की बातों को देख सकते हैं. Now let's go one by one. अब चलिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं. As the first angel blew his trumpet, hail and fire mixed with blood are poured out on the earth. जब पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो इस पृथ्वी के ऊपर में वहां पर ओले बरसे और ऐसी आग जो कि लहू के साथ मिली हुई थी वो भी इस पृथ्वी पर बरसने लगी. जस्ट वेंट थ्रू दीज वर्ड्स ऑफ हेल एंड फायर मिक्स्ड विद ब्लड, वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स आर मेंशन्ड हियर. मैंने यहाँ पर इसका अध्ययन किया जबकि यहाँ पर ये कहता है कि ओले और साथ साथ में ऐसी अग्नि या आग जो कि लहू के साथ मिली हुई थी वो पृथ्वी पर गिरे, तो इसका अध्ययन किया तो ये बहुत ही अजीब सी उपमा है. Now, if you look at the Old Testament, hail and fire are God's weapons of judgment used against those who oppose Him and oppress His people. Now, these are used against people who oppress God's people. Now, I'm not saying this. The Holy Scripture is saying this. और यहाँ पर जब हम इसका पुराने नियम में अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो ओले है और ये जो अग्नि है ये परमेश्वर ने बरसाई ताकि जो लोग परमेश्वर के विरुद्ध में काम कर रहे थे या परमेश्वर के लोगों को सता रहे थे उन्हें नाश कर दे. मैं नहीं कह रहा ये तो बाइबल कहती है. Now the effect of this trumpet blast on earth is that a third of the trees were burnt up. अब यहाँ पर ये जो तुरही फूकी इसका परिणाम पृथ्वी पर ये हुआ कि पृथ्वी पर के पेड़ जो थे या जो भी हरियाली थी वो तो एक तिहाई वो हरियाली जल गई, खत्म हो गई. In many references in the Old Testament, we find trees and green grass often symbolizes Israel and God's people. अब जब हम पुराने नियम में जाकर इस बात का अध्ययन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो हरी घास है या जो हरे पेड़ है ये अक्सर इसराइल या फिर परमेश्वर के लोगों को दर्शाते हैं. Now, fire destroying vegetation symbolizes God's weapon of judgment used against his own opponents of God. यहाँ पर आग जो है जो कि इस बात को दर्शाती है कि वो नाश करती है, ये परमेश्वर ने जो लोग परमेश्वर का विरोध करते हैं उनको खत्म करने के लिए इसका उपयोग किया है. Now let's look at the second angel. अब चलिए दूसरे स्वर्गदूत को देखते हैं. Now the second angel sounds the trumpet something like a great mountain burning with fire cast into the sea. अब दूसरे स्वर्गदूत ने जब तुरही फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया. बड़ा पहाड़ जो जल रहा था उसे समुद्र में डाला गया. Now mountains here symbolize a kingdom. यहाँ पर जो पहाड़ है ये तो राज्य को दर्शाने वाले हैं. Now the scene of the second trumpet is built entirely on the description of the fall of ancient Babylon in the prophecy of Jeremiah. हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो पहाड़ का जो गिराया जाना है ये तो यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब में प्राचीन बेबीलोन का जो राज्य था उसके गिरने या उसके पतन के बारे में बताता है. Now God is revealing this to Apostle John to enable him to understand the depth of what is going to happen. अब परमेश्वर ये सब कुछ प्रेरित यूहन्ना को बता रहे हैं ताकि वो इस बात को समझ सके कि क्या होने वाला है. Now, to me, what's interesting is God need not have even revealed it. और मेरे लिए बात तो ये दिलचस्प है कि जरूरी नहीं था कि परमेश्वर इस बात को यूहन्ना पर प्रकट करे. But God is revealing this to Apostle John, and He wants Apostle John to write that so that the churches will know what is going to happen. यहाँ पर परमेश्वर इन बातों को प्रेरित यूहन्ना को बता रहे हैं ताकि प्रेरित यूहन्ना इन सारी बातों को लिख ले और इस कारण कलीसिया यानी चर्च जाने कि क्या होने वाला है. Now prophet Jeremiah here predicts that God would judge Babylon, and how would he judge Babylon? He would judge Babylon by destroying mountain who in turn would destroy the whole earth for their evil that they have done at Zion. Now I repeat, for the evil they have done at Zion. देखिए यहाँ पर ये भविष्यवक्ता जो यिर्मयाह है ये बताता है कि परमेश्वर जो है बेबीलोन का न्याय करेगा. कैसे न्याय करेगा? वो उस पहाड़ को वहाँ पर उंडेलेगा या गिरा देगा और जिसके कारण पूरी पृथ्वी जो है वो नाश हो जाएगी. और ये क्यों होगी मैं आपको फिर से बता दूँ, ये तो उन्होंने सियोन के साथ में जो बुराई की थी, सियोन के साथ की उनकी बुराई के कारण ये होने वाला है. Toward the end of the 7th century BCE, the Babylonian Empire quickly conquers the lands to the west of the Euphrates River, including the kingdom of Judah.
Now, at the time of writing the book of Revelation, Babylon was used with reference to the great Roman Emperor. अब प्रकाशित वाक्य की किताब को लिखते जाते समय जो बेबीलोन का जो संदर्भ है वो तो उस महान रोमी साम्राज्य के साथ में जोड़ कर लिखा गया है. Now, the entire Roman Empire is now brought here. यहाँ पर पूरा रोमी साम्राज्य लाया गया है. Because if you look at those days, Roman Emperor or the Roman Empire was the strongest in the world. अगर आप उन दिनों में देखें तो उस समय रोमी साम्राज्य जो था वो तो पूरे संसार में सबसे ज्यादा सामर्थ्य राज्य था. एंड यू मस्ट आल्सो रिमेंबर इट इज दिस रोमन एम्परर और एम्पायर व्हिच डिस्ट्रॉयड जेरुसलम एंड इट्स टेंपल. और आपको ये भी याद होगा कि यही वो रोमी साम्राज्य था जिसने यरूशलेम को नाश किया था और उसके अंदर जो भवन था उसे भी नाश कर दिया था. नाउ इट वॉज टू सफर इन इट्स ओन फेट. और अवश्य ही उसके लिए जो कुछ भी तय किया गया था और उसने जो कर्म किए थे उसके अनुसार उन्हें दुख उठाना ही था. All this is recorded in Revelation. और ये सब कुछ प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है. Now the burning mountains sinking in the sea turns the sea into blood. अब ये जलता हुआ पहाड़ जो वहाँ पर समुद्र में डाला गया उसके कारण जो समुद्र है वो लहू सा हो गया. Now as a result of this, it's leaving one third of the mountain life dead and one third of the ships getting destroyed. अब इसका परिणाम ये हुआ कि पहाड़ों पर जो जीवन था उसका एक तिहाई नाश हो गया और समुद्र के अंदर जो जीव जाया थे वो भी एक तिहाई नाश कर दिए गए. Now this also brings to the minds the first Egyptian plague in which the waters were turned into blood. अब इस बात को हम ये भी याद कर सकते हैं कि मिस्रियों पर जो पहली मरी आई थी वो तो यही थी कि जो जल था जो पानी था वो तो लहू बन गया था. एंड द फिशेस ऑल गेट डिस्ट्रॉयड. और उसके कारण उस पानी में जितनी मछलियां थी वो सब के सब नाश हो गई. द सी इन द ओल्ड टेस्टामेंट इज ऑफन सिंबलाइज फॉर पीपल इन देयर अपोजिशन टू गॉड. और ये जो समुंदर है अक्सर पुराने नियम में उन लोगों को दर्शाता है जो परमेश्वर का विरोध करते हैं. One of the interesting things which I find in the water turning to blood when Moses, a great man of God, is trying to demonstrate, I find something very unique there. एक बात जो मैंने बहुत ही दिलचस्प पाई कि परमेश्वर का दास जब यहाँ पर उस पानी को लहू में बदलता है तो यहाँ पर मैंने एक बहुत ही अद्भुत बात पाई है. Here is Moses sent by God. And he's going to the Pharaoh, telling the Pharaoh, who is the king of Egypt, let my people go. यहाँ पर मूसा फिरौन के सामने जाता है. फिरौन तो मिस्र का राजा था. उस राजा के सामने जाकर वो कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे. Now here is Pharaoh, who is the most powerful man in the earth, sitting there, and he's saying, why should I let the people go? और यहाँ पर उस समय पृथ्वी पर का सबसे सामर्थ्य जो राजा था वो अपने सिंहासन पर बैठा था फिरौन, और वो ये पूछता है कि मैं तेरे लोगों को क्यों जाने दूं? Because the Pharaoh wanted the Israelite people to be as slaves and he wanted to keep them in bondage. क्योंकि फिरौन जो है वो तो इसराइली लोगों को गुलामी में रखना चाहता था, वो उन्हें बंधवाई में रखना चाहता था. And Moses clearly says, it's not because I want the people to go. I have been sent by God, the creator of heaven and earth, to let the people go. So therefore, you have to let the people go because God has told me to tell you that. और मूसा ये कहता है कि मैं तुझसे ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे लोगों को जाने दे, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे कहूँ कि तुम मेरे लोगों को जाने दो, और इसलिए मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम मेरे लोगों को जाने दो. And Pharaoh makes a very interesting statement there. और फिरौन यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प वाक्य कहता है. Who is this God that you say that I should obey? और वो कहता है कि ये परमेश्वर कौन है जिसके लिए तू कहता है कि मुझे उसकी आज्ञा माननी होगी. It's very interesting that God himself says, I will display my power to the Pharaoh. यहाँ पर ये बात दिलचस्प है कि अगर आप इन अध्यायों में देखते जाएंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर ने कहा कि मैं फिरौन पर अपनी सामर्थ्य प्रकट करूंगा. I like the word display. वो कहता है प्रकट करूंगा, मैं उसे दिखाऊंगा. ये शब्द बहुत पसंद है. Display is not showing something in a corner. Display is showing it to the whole world.
अब देखिए, ये जो प्रकट करना है या जो दिखाना है, ये किसी कोने में जाकर दिखाना नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया के सामने उसे दिखा देना है। एंड गॉड डिड डिस्प्ले हिज पावर टू द फैरो एंड फॉर दैट ही यूज्ड अ लॉट ऑफ डिटेल्स टू शो। हेलस्टॉर्म वाज देयर, सी वाटर टर्न टू ब्लड वाज देयर, फ्रॉग्स केम, यू नो ऑल द स्टोरी। सो गॉड शोड हिज पावर टू द फैरो। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने फिरौन पर केवल ऐसी उस अपनी सामर्थ को नहीं दिखाई, जैसे कि आप जानते हैं कि ओले बरसे थे, फिर पानी जो है वो लहू में बदल गया, मेंढक आए, इस तरह से बहुत सी मरी के द्वारा परमेश्वर ने अपनी सामर्थ फिरौन को दिखा दी। सो हियर वी फाइंड द सी इन द ओल्ड टेस्टमेंट ऑफन सिंबलाइजेस फॉर पीपल इन देयर अपोजिशन टू गॉड। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुराने नियम में जो समुंदर है, ये तो उन लोगों के बारे में बताता है जो परमेश्वर का विरोध करते हैं। As you read those Old Testament chapters of Moses, you will find a kind of a similarity of God's display of power when Moses actually, before he led the people out of Egypt, God displays a lot of power showing to the Pharaoh who he is. और हम देखते हैं जैसे पुराने नियम में इन बातों का हम अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि परमेश्वर ने फिरौन को प्रकट करके दिखा दिया कि वो सच में कौन है। सो वी फाइंड अ लॉट ऑफ सिमिलरिटीज इन रेवलेशन डिस्प्लेइंग गॉड्स पावर देयर, बट हियर इट्स अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। बट द रीजन आई एम टेलिंग दैट इज बिकॉज ऑल हैपेंस विद गॉड्स परमिशन एंड विद गॉड्स पावर। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करते हैं, हालांकि यहाँ पर इसका बताने का तरीका अलग है, लेकिन ये सब कुछ परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करने के लिए ही हो गया है। Because God is God and we can't play with the Creator. क्योंकि परमेश्वर तो परमेश्वर है और हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। As conveyors of the wealth, ships symbolized a nation's pride. और जैसे कि धन के क्षेत्र में हम देखते हैं, ये जो जहाज है, बड़े बड़े जहाज, वो तो उस देश के, उस राज्य के बड़े सामर्थ्य के बारे में, उनके घमंड के बारे में बताता है। In the first two trumpets, the first one deals with the fall of the Jewish nation. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो पहले दो तुरहियां हैं, इसमें जो पहला है वो तो यहूदी देश के गिरने के बारे में है। Not only the Jewish nation, it also deals with the fall of the Roman Empire, responsible for the death of Christ. और केवल यहूदी साम्राज्य ही नहीं, लेकिन ये तो रोमी साम्राज्य के भी गिरने के बारे में है, जो कि यीशु मसीह की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। Each trumpet symbolizes a deeper meaning for our understanding. हर एक जो तुरही है, ये हमारी समझ के लिए एक बहुत ही गहरा अर्थ बताती है। Now let's find out what the third trumpet is all about. और आइए अब देखते हैं कि ये जो तीसरी तुरही है, ये किस बारे में है। The third trumpet signifies after the fall of the Roman Emperor, a following sequence. यहाँ पर जो तीसरी तुरही है, ये रोमी साम्राज्य के गिरने के बाद में क्या हुआ, और वो क्रमानुसार हमें यहाँ पर बताते जाता है। So what really happens after the fall of the Roman Emperor? यानी रोमी साम्राज्य के गिरने के बाद सच में क्या हुआ? Now this period often referred to as the dark or middle age witnessed great spiritual decline. इस युग को कहिए या इस समय को मध्यम, या हम कह सकते हैं कि अंधकार का युग कहा गया है, और इसमें आत्मिकता जो है वो तो बिल्कुल नीचे घटती चली गई। It witnessed great spiritual decline. इसके अंदर आत्मिकता जो है वो तो बहुत ही नीचे ऐसी घटती चली गई। Now at the trumpet sound of the third angel, John sees a great star burning like a torch falling down from heaven. तीसरे जहां पर तुरही फूकी गई, तीसरी तुरही जब तुरही फूकी गई, तो यूहन्ना प्रेरित ने देखा कि एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और वो गिर गया। Now it's falling from heaven and where does it fall? It falls upon the rivers and the fountains of waters, polluting them with bitterness and bringing death to many people. अब ये कहाँ पर गिरता है तारा? ये तो नदियों के ऊपर, नदियों की एक तिहाई पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा, और उसके कारण जो पानी था वो तो नागदौना सा कड़वा हो गया, और उसके कारण बहुत से लोग मर गए। Now stars in Bible frequently symbolize angels. बाइबल में ये जो तारे हैं अक्सर स्वर्गदूत के बारे में दर्शाने वाले हैं। Now the fact that this star is referred to as a great indicator that we are dealing with a character which is superior to the angels. अब जब यहाँ पर ये कहता है कि एक बड़ा तारा, इसका मतलब हम ऐसे व्यक्तित्व को देख रहे हैं, ऐसे चरित्र को देख रहे हैं जो कि स्वर्गदूतों से और बड़ा है।
Now it certainly reminds us of the star of the morning falling down from heaven, and this is found in Isaiah chapter 14 verse 12. अब यहाँ पर खास करके जब ये कहता है कि वो जो भोर का तारा जो था वो तो गिर गया, और ये खास करके यशया अध्याय 14 वचन 12 के संबंध में बता रहा है। Now we also note in that verse it says, as well as the word Jesus, I was watching Satan fall from heaven like lightning. Now this is also found in Luke chapter 10 verse 18. लूका अध्याय 10 वचन 18 में स्वयं यीशु मसीह ने ये कहा कि मैंने शैतान को स्वर्ग से नीचे गिरते हुए देखा। It's very interesting to see how God describes the details of how things will happen, and it's very detailed description. परमेश्वर किस तरह से इन सारी बातों को बताते हैं कि क्या-क्या होने वाला है, वो बड़े विवरण के साथ में ये सब कुछ समझाकर बताते हैं। Now rivers and springs symbolize spiritual nourishment, which means the main source of pure water comes from these springs and these rivers. अब ये जो नदियां हैं और जो जल के सोते हैं, ये इस बात को दर्शाता है, ये तो हमारे आत्मिक पोषण के लिए है, क्योंकि ये जो सही जो नदियां हैं और जो सोते हैं वो बिल्कुल शुद्ध जल देती है, वो सही शिक्षा देती हैं। So similarly what God is saying that there are several things which will happen where people will pollute the real truth and the real essence of God's word, and that is what here God is trying to symbolize us. यहाँ पर परमेश्वर हमें दर्शनिक रूप में या कहिए उपमा के रूप में ये दिखा रहे हैं कि लोग कोशिश करेंगे कि जो मुख्य सोता है, जहाँ से जो मुख्य बात सबके लिए निकलती है, उससे ही वो दूषित कर दे, भ्रष्ट कर दे। The name of the falling great star is Wormwood. यहाँ पर ये जो तारा जो गिरा है उसका नाम बताया गया है कि उसका नाम है नागदौना। So this wormwood is a symbol of bitterness through sin and apostasy. ये जो नागदौना है, ये तो पाप और झूठी जो बातें हैं उसको दर्शाने वाली बात है। Now the Old Testament writers make it very clear that when God's people turn their heads back on God and the covenant they are given are becoming wormwoods to eat and the water becomes poisonous. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने पुराने नियम में अपने लोगों से जो बातें की, अपनी जो वाचा बांधी थी, जब लोग उससे दूर हो जाते हैं तो परमेश्वर ने उन्हें ऐसे नागदौना सा कुछ दिया जिसके कारण पानी जो है वो जहरीला हो गया। I would like to highlight one particular thing here which God wants to very clearly explain. And the point is, if we turn our backs from God, मैं यहाँ पर इस बात के ऊपर जोर देना चाहता हूँ, इस बात को समझा कर बताना चाहता हूँ, और मुद्दा ये है कि अगर हम परमेश्वर की ओर अपनी पीठ फेर देते हैं, But it's also saying God's people turning their backs on God. लेकिन ये इस तरह से यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की ओर अपनी पीठ फेर देते हैं। So I want you to take note of all these key words which Revelation is teaching us. प्रकाशित वाक्य यहाँ पर हमें जो सिखा रहा है, इसकी मुख्य बात को जरा आप ध्यान दीजिए। It says that the water gets poisonous to drink and the whole thing gets polluted. ये कहता है कि ये जो पानी है ये तो विषैला हो जाता है और सब जो है वो पूरी तरह से दूषित हो जाता है। So let me summarize to you the three trumpet scenario. अब यहाँ पर तीन तुरहियों का जो चित्र है उसको मैं आपको सारांश में बताना चाहता हूँ। So the first two trumpets deal with the fall of the Jewish nation and the Roman Empire. यानी पहली जो दो तुरहियां हैं वो तो यहूदी देश और रोमी साम्राज्य के गिरने के बारे में है। एंड द रोमन एम्पायर वाज रिस्पांसिबल फॉर द डेथ ऑफ क्राइस्ट एज यू ऑल वुड नो। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि रोमी साम्राज्य जो था वो तो यीशु मसीह की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। नाउ फॉलोइंग देन और फॉलोइंग दैट सीक्वेंस कम्स द सीन ऑफ द ब्लोइंग ऑफ द थर्ड ट्रम्पेट, एंड दिस डील्स विद हाउ टू डू विद द पीरियड in history following the fall of the Roman Empire. और फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि तीसरी तुरही जो फूंकी गई है ये उस समय काल के बारे में है कि रोमी साम्राज्य के गिरने के बाद में किस तरह से सब कुछ होता चला गया और इसके बारे में क्या हुआ। So each trumpet explains a particular era and a period. यानी हर एक तुरही एक खास युग और एक खास समय के बारे में बताते हैं। Now in the next program we will study more in depth about the fourth trumpet.
और अगले प्रोग्राम में हम चौथे तुरही के बारे में गहराई से अध्ययन करने वाले हैं। Now, when I visualize each of these trumpets, it's very dramatic and it's very scary sometimes. और जब हम इन तुरहियों के बारे में कल्पना करते हैं, तो कई बार ये बहुत ही नाटकीय सा दिखाई देता है और ये सच में डरा देने वाला होता है। But yet God wants to establish all this to Apostle John. लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहते हैं कि इन सारी बातों को वो प्रेरित यूहन्ना के ऊपर प्रकट करें और उसमें स्थापित करें। The fact that God has put that in Revelation is for you and I to read it. परमेश्वर ने इसे प्रकाशित वाक्य में इसीलिए रखा ताकि आप और मैं इसे समझे, इसे पढ़ते जाएं। And we need to read and meditate and understand God's mind. हमें इसे पढ़ना होगा, मनन करना होगा और हमें परमेश्वर के मन को समझना होगा। That's why we take a lot of time in bringing out these programs because a lot of research is required. और यहाँ पर इसीलिए हम इतना समय लेते हैं कि इन सारे प्रोग्राम को बनाएं, क्योंकि इसके लिए बहुत सी खोजबीन करनी पड़ती है, छानबीन करनी पड़ती है। Please continue to meditate with us as we deal with this interesting topic, Revelation. जैसे कि हम प्रकाशित वाक्य के इस दिलचस्प विषय के बारे में देखते जा रहे हैं, आप हमारे साथ में निरंतर बने रहिए। So next week we'll see the fourth trumpet, and both you and us together we will study the word of God more in-depthly. और अगले हफ्ते हम चौथे तुरही के बारे में देखेंगे और निश्चय एक साथ मिलकर आप और मैं यहाँ पर परमेश्वर के वचन की गहराई का अध्ययन करेंगे। I also want to take this time to thank our viewers from different parts of the country who are very patiently listening to all these content and taking notes. और निश्चय मैं उन सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ जो हमारे देश के अलग अलग भागों से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और खास करके आप ध्यान से इसे सुन रहे हैं और आप नोट्स ले रहे हैं। We are immensely encouraged by your feedback. आपके इस तरह के व्यवहार के द्वारा, आपके फीडबैक के द्वारा हम सच में बहुत प्रोत्साहित होते हैं। I've mentioned this many times, but my parents take a lot of time to bring these details, and it takes long hours of research to even bring one program. और मैंने ये कई बार बताया है कि इस एक प्रोग्राम को बनाने के लिए मेरे माता पिता बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत छानबीन करते हैं, बहुत सी खोज करते हैं, और तब जाकर ये एक प्रोग्राम बनता है। As much as you're getting blessed, it's your duty to pray for the channel you're watching. और जितनी ज्यादा आप आशीष पाते चले जाते हैं, तो ये आपका कर्तव्य होता है कि आप इस चैनल को जो देख रहे हैं उसके लिए आप प्रार्थना करते चले जाएं। To create one program, it takes a lot of time. So you can imagine the depth and the background of running a 24/7 channel. आप कल्पना कर सकते हैं कि एक प्रोग्राम को बनाने के लिए यहाँ पर इतनी समय और इतना मेहनत करना पड़ता है, तो 24 घंटे सातों दिन चलने वाले इस चैनल के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। So it's your duty to pray for us. इसलिए ये आपका कर्तव्य है कि आप हमारे लिए प्रार्थना करते चले जाएं। I say that with love and affection. मैं बड़े प्रेम और बड़े करुणा के साथ में आपसे ये कहता हूँ। I'll see you soon next week with another interesting episode of Revelation. प्रकाशित वाक्य के ऊपर आधारित एक और दिलचस्प प्रोग्राम में